गुड इवनिंग सभी को। खुश रहिए लाइव है। क्या हाल चाल सभी का? सवाल बनाए, चलो कमेंट दिखाइएगा। आइए, आज का पहला सवाल यहां पर आंसर कितना आया बताइएगा? 20% है ना। यूट्यूब पर जितने विद्यार्थी जुड़े हैं है ना, सभी को सबसे पहले शुभ संध्या है ना। और आप सभी लोग रेगुलर बने रहिए। और पीडीएफ जो एप्लीकेशन से लेकर के लगभग पेपर से आधे घंटे पहले दिया जाता है ना, वहां से क्वेश्चंस को आप बना करके तैयार रखना है। और 7:25 में शायद 28:29 हो रहा है ना, तो 1-2 मिनट 3 मिनट आगे पीछे हो सकता है ना, इंतजार करना है और फिर सारे सवाल का डिस्कशन आपको करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार सेशन को सब लोग जरूर शेयर करिएगा जितने विद्यार्थी अभी हमें देख पा रहे हैं ना। कुमार रोशन हो गया, प्रिंस, मंटू, पूजा, गोपाल, पंकज, निशु, अमित, नीतीश है ना, अमित सिंघानिया, बिल्कुल भाई, शिव सागर। सेशन को एक बार शेयर करिए और बाकी हम पहले सवाल पे आते हैं। देखिए, एक मिनट थोड़ा सा। देखिए यहां हमारा क्वेश्चन है, पहला सवाल पढ़िएगा सब लोग। दो खिलौने ए और बी की कीमत 3 और 5 के रेशियो में है ना, 3 और 5 के रेशियो में दो खिलौने की कीमत है। अब कहता है कि पहले खिलौने की कीमत में 25% का इंक्रीमेंट करें, बढ़ाए, और दूसरे खिलौने की कीमत में 1% का वृद्धि करें। देखो यहां पर ये एक्स क्या है, अननोन है। और जब दोनों खिलौने की कीमत को हम बढ़ाते हैं तो पहले से रेशियो था 3:5, लेकिन अब पता है नया रेशियो बदल के हो गया 5:8। तो क्वेश्चंस कहता है इस एक्स की वैल्यू कितना होगा। देखो सवाल को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कोई भी वस्तु की जो कीमत होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर पहले से रेशियो 3 था है ना, तो ये अपने आप में 100% था। ये जो कीमत है पहले वस्तु का वो अपने आप में 100%, 25% का वृद्धि होता है, इसका मतलब इसका कीमत 125% हो गया। तो सीधे यहां मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया बढ़ा हुआ कीमत पहले खिलौना का। दूसरे खिलौना का कीमत कितना है, पहले 5 है और इसमें 1% का वृद्धि होता है, तो इसकी कीमत हो गया 100+X हो जाएगा। यहां 25% तो 100+25 125 हो गया, और यहां 1% से बढ़ा तो 100+X हो गया। अब बढ़ने के बाद पहले खिलौने और दूसरे खिलौने की कीमत, और इसके रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5/8, तो हमने भी लिख दिया 5/8, 5/8 से इक्वेट कर दिया। अब इसको करिए सभी लोग सॉल्व, काटिए। देखो जी ये 5 से कट रहा है, कितने बार में, 25 बार में कट रहा है, सही बात है। मल्टीप्लाई करो, 8 से 25 गुणा करो, 200, 200 का तिगुना कितना, 600 हो जाएगा आपका। और ये इधर जाएगा, अच्छा 5 से कट रहा है ना, काट दीजिए। देखो ये वाले 5 से ही कट रहा है, 5 बार में, थोड़ा छोटा ही तो हो जाएगा। 8 × 5 = 40, 120 हो गया। और ये जाएगा उधर यानी 100+X, तो बोलो x का मान कितना, 20, और 20% ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घटेगा तो 20, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। जिन विद्यार्थी का 20% आया है, कितने लोग का है जरा एक बार हाथ खड़ा करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपका लगभग आधे लोग का आया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल संख्या 2। 25% बढ़ा था तो 125 से गुणा कर दी, और यहां 1% से बढ़ा तो 100+X से गुणा।
अब बढ़ने के बाद का ये वस्तु का कीमत हो गया, और सवाल में दे रखा था 5:8, तो बढ़ा के 5:8 से इक्वेट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के एक्स का मान 20 आ गया। देखिए हमारा ये दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक पार्टी में सभी मेहमानों का औसत आयु 25 वर्ष, जितने भी मेहमान उस पार्टी में शामिल हुए सबका एवरेज दे रखा है 25, लेकिन जानते हैं इसमें कुछ आपका पुरुष मेहमान है और कुछ क्या है आपका महिला आपका है, तो यहां पे हम लिख देते हैं मेल और यहां पे लिख देते हैं फीमेल, और अलग अलग एवरेज भी दे रखा है। तो बोलिए मेल का एवरेज कितना है 29 और फीमेल का एवरेज कितना 21 आपका, और ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा इसको जब मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा है। अब क्या करिए इसको क्रॉस आप सब लोग घटाइए, है ना, 29 में से 25 घटेगा, सॉरी 4, और फिर 25 में से 21 घटेगा, फिर से 4 हो गया। अब ये कटेगा तो 1:1 ये कट जाएगा, इसका मतलब उस पार्टी में मेल मेंबर की संख्या 1:1 में और फीमेल मेंबर की संख्या भी 1:1 में। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर, पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है बराबर बराबर आपका है। आप बताइए ना सवाल में आगे क्या कहता है कि पार्टी में मौजूद पुरुष मेहमानों का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या था, जब दोनों बराबर बराबर है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, 50% मेल है और 50% क्या है फीमेल है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो एलिगेशन का रूल हम तब लगाते हैं जब तीनों जगह एक समान जाति का डाटा दिया रहता है, एवरेज यहां का भी दिया है, एवरेज यहां का भी दिया है, एवरेज बीच का भी दिया है, तीनों जगह का अगर जाति समान रहेगा एक ही तरह का डाटा रहेगा तो आप एलिगेट करके क्या उसकी संख्या का रेशियो होगा यह चीज आप निकाल सकते हो। अच्छा कुछ भी लोग ये सोचते हैं सर यहां पर एवरेज है, यहां एवरेज है, यहां एवरेज है, तो यहां भी तो एवरेज का रेशियो निकलना चाहिए, लेकिन ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। एक बात बताओ जरा, एवरेज का ही रेशियो निकालना होता दोनों का तो यहीं पर नहीं निकाल लेते, ये भी एवरेज ये भी एवरेज यहीं पर हो जाता है ना, तो यहां जब इतना किए तो ये जो मिला ये कभी एवरेज का रेशियो नहीं बनेगा। याद रखना एलिगेशन में जो चीज हम बैठाते हैं एवरेज 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 कभी रेशियो उसका नहीं निकलता है, हमेशा उसके इनवर्स का निकलता है, हमेशा फिक्स है बात, हमेशा उसके इनवर्स का निकलता है। आप औसत बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है, तो आप कहोगे ना कि औसत बराबर सर होता है संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं की संख्या होता है, सम ऑफ डाटा बाई नंबर ऑफ डाटा। देखिए इधर एवरेज ऊपर और संख्या कहां है नीचे, तो इन दोनों के बीच का संबंध उल्टा होता है, मतलब ये और ये एक दूसरे का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो राशि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो व्युत्क्रमानुपाती हो याद रखना एलिगेशन में रेशियो उसी का बनता है। अगर औसत 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 तीनों जगह दिया है तो औसत का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है संख्या, तो रेशियो हमेशा किसका निकलेगा संख्या का निकलेगा, समझ बात को। देखो तीनों जगह अगर रेट लीजिएगा तो रेट जो है वो मूलधन का समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रिंसिपल का, तो अगर रेट 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 बैठाइएगा तो यहां पर रेशियो किसका बनता है प्रिंसिपल का बनता है आपका, तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा उल्टे चीज का बनता है। आगे बढ़ते हैं, 1:1 आने के कारण 50% पुरुष 50% महिला हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, यहां पर सबसे पहले तो इसको इसकी थ्योरी, यहां पर इसकी थ्योरी, इसमें दो बातें होती हैं। पहली नंबर चीज देखो यहां पर ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी सेक स्क्वायर थीटा, देखिए कोसेक का उल्टा सेक होता है ना, और यही नियम आपका देखो ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों के लिए यह लागू होता है। इसका कहेगा आपसे कि मिनिमम मान क्या होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखो मिनिमम वैल्यू होता है ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, लेकिन कब, जब ए बी से क्या रहेगा छोटा रहेगा तब होगा आपका। और फिर सुनिए मिनिमम वैल्यू एक और स्थिति में होता है टू अंडर रूट ए बी होता है, टू अंडर रूट ए बी होता है जब ए बी से क्या रहता है बड़ा रहता है। कभी सवाल आपको इस पर दिखेगा,
कभी सवाल आपको इस पर दिखेगा। दो स्थिति बनता है यहां पर, है ना, और ये ए कॉस स्क्वायर बी सेक स्क्वायर या फिर ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉसेक स्क्वायर के लिए होता है। अब कहते सर इसको याद हम कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, तो देखो आप बताइए कॉस पहले आता है कि सेक पहले आता है। जनरली जो हम लोग याद करते हैं कॉस पहले आता है, और लेटर में अल्फाबेट में ए पहले आता है कि बी आता है, ए आता है, तो हम उसी के हिसाब से लिखे हैं कि पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले वाला लेटर कोफिशिएंट में, बाद वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बाद वाला लेटर, हमने लिखा है ऐसे। अब ध्यान रखना कि अगर पहले वाला लेटर अगर छोट हो जाएगा, यानी कॉस का कोफिशिएंट यदि कभी छोट हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी, और यदि पहला वाला लेटर ए अगर बड़ हो जाएगा तो टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा आपका। ये दो स्थिति है, मिनिमम मान ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसका कोफिशिएंट में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कभी इस पे मिलेगा कभी इस पे मिलेगा। अब आप पहचानो कि ये जो सवाल दिख रहा है इसमें क्या है, तो देखिए यहां पर कॉस पहले तो इसका कोफिशिएंट ए, और सेक बाद में तो इसकी कोफिशिएंट बी, और आप देख लो पहले वाला क्या है बड़ा है तो टू अंडर रूट ए बी लगेगा, समझना, तो इसका मिनिमम वैल्यू लगेगा यहां पर टू अंडर रूट ए बी, ए बी यानी 16 गुना 9, तो बोलिए 2 और 16 9 144 का वर्गमूल 12, तो 12 दूना 24, 24 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन वही मान लेते हैं कि यही सवाल में इन 9 रहता इसके साथ और 16 रहता उसके साथ, फिर टू अंडर रूट ए बी लगाते तो गलत हो जाता आपका, फिर वैसी स्थिति में 16 और 9 कितना 25 हो जाता आपका, 24 नहीं, फिर वहां आंसर 25 हो जाता। तो इतनी यहां पे दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है, कभी सवाल इस पे मिलता है कभी इस पे मिलेगा। देखो मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम इसका अनलिमिटेड कह सकते हैं होगा आपका, है ना, ये जो मिनिमम 24 दिखा ना इससे क्या होगा ये बड़ा ही आपका होगा, अब 24 से बड़ा आपका कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम इसलिए आपका नहीं पूछा जाता है, अनंत कह सकते हो, समझे, कम से कम मान मिला 24, सबसे नीचे वाला मान 24 मिला, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है यहां पर, है ना, इसलिए मैक्सिमम से क्वेश्चन इस पर नहीं बनता है, मिनिमम से ही आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है 24 के मल्टीपल में आएगा, इसका कम से कम माना या 24, तो मैक्सिमम जो होगा मैक्सिमम सबसे पहले पूछे या नहीं, अब मैक्सिमम जो होगा वो 24 से बड़ा होगा आपका, कम से कम या 25 26 27 28 30 35 अनंत कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, इसलिए मैक्सिमम से नहीं सवाल पूछा जाता आपका, मिनिमम से पूछा जाता है। एक और इसमें आपको हम बता दे रहे हैं, एक और इसका साथ ही छूट रहा है ना, देखो यहां पर है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा आपका है। देखिए कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स होता है, साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो ऐसी जब स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में मिनिमम वैल्यू टू अंडर रूट ए बी होता है, टू अंडर रूट ए बी होता है, टू अंडर रूट ए बी होगा, या फिर इसमें आप ये भी ले सकते हो, नहीं नहीं ये नहीं, सिर्फ ये आपका टू अंडर रूट ए बी, ये सब प्रूफ होता है जी, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से ही साबित होता है आपका, है ना, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप याद रखना यहां पर, समझे, बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर कितना हुआ 24, किस पे निकलेगा टू अंडर रूट ए बी पर, क्यों, क्योंकि ए बी से क्या है बड़ा है, बस। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा सब लोग, कहता है सुनिएगा, एक व्यक्ति ने एक ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ निश्चित दूरी तय करता है, बड़ा सरल बात है, हमने मान लिया दूरी d है, d डिस्टेंस 40 के स्पीड से यदि हम चलेंगे तो समय क्या लगेगा, दूरी बटा चाल, और फिर कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरी, यानी फिर से डिस्टेंस क्या है लेकिन चला किससे 8 से, तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और कुल समय दिया है 12 घंटा, तो बराबर में कर देंगे 12, अब इसको आप सोल्व कर दो, 40 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां d और प्लस में 5d,
तो बोलिए डी बराबर कितना हो गया, 80 हो गया किलोमीटर आंसर। क्यों जी, ये 6D हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा दो बार में, तो 40 दो ना 80 डी का मान हो जाएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग, 5 नंबर क्वेश्चन सुनिए क्या कहता है। देखो जी 5 नंबर सवाल का हम दो तरीके आपको बताते हैं, सुनिएगा। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर क्या लिखा है, समय पर पहुंच जाती है। समय पर पहुंचने का मतलब क्या है, ना लेट हुआ और ना ही अर्ली हुआ, ना देर से पहुंची ट्रेन और ना ही पहले पहुंची, यानी कह सकते हो कि 0 मिनट का लेट हुआ या 0 मिनट का सवेर हुआ, पहले पहुंचा। टाइम पर पहुंचने का मतलब क्या है कि 0 मिनट का लेट 0 मिनट का अर्ली। लेकिन आगे कहता है कि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 15 मिनट लेट से पहुंचती है। देख रहे हो उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया, 45 के जगह पर क्या कर लिया 30, उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया। और जब स्पीड कम करेगा कोई व्यक्ति तो जेन्युइन बात है उसको देर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें है, कह रहा है कि कुल दूरी बताओ कितना है। देखिए एक तो फॉर्मूला ऐसे आप कर सकते हो, दूरी बराबर चालों का गुणनफल होता है, V1 गुना V2, चालों का गुणनफल है ना, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, और नीचे में जानते हैं क्या होगा, चालों का अंतर आ जानते हो क्या होता है, T1 प्लस माइनस T2 और बटा में 60 होता है, T1 प्लस माइनस T2। अब देखो प्लस कब माइनस कब, चालों का गुणनफल, पहले चाल को गुणा करिए तो चाल कितना है 15 और 30 है, बहुत सारे विद्यार्थी से बनाते हैं 45 और 30, तो यहां कर देंगे हम 45 गुना 30, और नीचे में होता है अंतर, तो 45 और 30 का अंतर 15। सुनो टाइम को हम जोड़ते हैं कब, जब दोनों लेट अर्ली रहेगा तब, जैसे एगो रहेगा देर एगो रहेगा पहले, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन दोनों सेम रहेगा, दोनों स्थिति में लेट होगा तो माइनस, या दोनों स्थिति में सवेर तो आपका माइनस। लेकिन यहां पर क्या है, एगो समय 0 है, समय पर पहुंचता है इसका मतलब 0 मिनट लेट है, और दूसरा बार कितना लेट है 15 मिनट लेट है, तो यहां पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ऐसे भी देखो माइनस अगर आपके मन में विचार भी आएगा तो 0 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस में, आप बताइए दूरी का भी माइनस में हो सकता है, नहीं होगा, तो विचार गलती से भी नहीं आना चाहिए माइनस, है ना बात है, तो प्लस ही होगा यहां पर और बटा में 60 को 60 से भाग क्यों देते हैं, तो ये मिनट में, जनरली सवाल में मिनट रहता है तो घंटा बनाने के लिए 60 से क्या करते हैं भाग देते हैं। अब सोल्व कर लो आंसर हो जाएगा जी। देखिए 15 से कटेगा 4 बार में, अब 15 से कटेगा कितने बार में 2 बार में, अब 2 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 22.5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पहला तरीका। इसमें क्या है कि रटना है आपको, है ना, कि चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू T1 प्लस माइनस T2 बाई 60। दूसरा नंबर और में भी आप कर सकते हो, जैसा मैं बता रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई डाउट है? हाँ, फॉर्मूला धोखा देता है पंकज भाई, बिल्कुल सही बात है ना, इसलिए तो मैं अल्टरनेट तरीके बता रहा हूं, है ना। जब भी लेट अर्ली वाला सवाल रहे और दूरी पूछे तो ये काम कर सकते हो, 45 गुना 30 ऊपर और अंतर कितना है 15 नीचे, और समय को जोड़ के ऊपर बटा में 60, तो 0 मिनट लेट हो रहा है, समय पर पहुंचने का मतलब 0 लेट, अब प्लस का कितना 15/60, सोल्व कर दिए 22.5 किलोमीटर आपका आ गया। और मैं कैसे करेंगे सुनिएगा, हटाए जी, देखो और मैं इसको कैसे कर सकते हैं। शुरुआत में कैसे चला था, 45 के चाल से चला था, हमने वास्तविक समय को टी मान लिया है, वास्तविक समय को टी मान लिया, हमने मान लिया कि सही समय गंतव्य स्थान पहुंचने पर पहुंचने का टी मिनट है, और पता है जब 45 के चाल से चला तो टी ए मिनट में पहुंचा, सही समय पर पहुंच गया, लेकिन जब उसने 30 की चाल से चला तो टाइम से 15 मिनट उसको ज्यादा लग गया,
देखो सभी सही समय पर पहुंच रहा है, तो एग्जैक्ट टाइम टी लग रहा है जो लगना चाहिए। अगर 30 से चला तो उसको 15 मिनट ज्यादा लगा, तो टी प्लस 15, और अगर पहले पहुंचा तो टी माइनस 15। तो देखो चाल गुना समय भी दूरी, अचाल गुना समय भी दूरी, दूरी बराबर दूरी कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, काटिए 15 से 2 बार में और 15 से 3 बार में, बोलो ये कितना 3t, अरे कितना, तो 2t आके घट जाएगा तो t हो जाएगा। अब 15 दुना यानी 30 मिनट, ये समय आ गया गंतव्य स्थान पहुंचने का, वास्तविक समय आ गया। कौनो कौनो जानते हैं सवाल में इतने पूछता है, दूरी नहीं पूछेगा, आपसे पूछे घर से ऑफिस पहुंचने का राइट टाइम क्या है, तो राइट टाइम 30 मिनट, उसको 30 मिनट में पहुंचना होता है और पहुंच रहा है वो लेट से या पहले, समझे। तो कौन कौन सवाल ये भी पूछता है, तो इतने आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे इस सवाल में क्या पूछता है, दूरी पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरी इधर वाला भी है और दूरी इधर वाला भी है। टी का मान या तो इधर बैठा दो या तो आप उधर बैठा दो, दूरी भी है दूरी भी है, किसी एक तरफ बैठा दीजिए। तो आइए ना इधर बैठाते हैं, देखो 45, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन टाइम यहां पर किस में है, मिनट में, तो घंटा मतलब की 60 से भाग देंगे, मिनट को घंटा मतलब की 60 से भाग देंगे, 2 से भाग दिए 22.5 आंसर हो गया आपका। तो यहाँ इसे बनाए तो 2 गो निकला आपका, समय वो निकल गया और दूरी भी निकल गया। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। हाँ कर सकते हैं भीम कुमार, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था है ना, उसको आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, भीम नाम है, भीम, भीम को जानते हैं, ऐसे कह रहे जैसे आपका पड़ोसी था, वो नहीं, छोटा भीम को, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, बेलन का जो कि होता है 2πRh होता है, तो लिखिए ना 2π का मतलब 22/7, r तो नहीं पता है लेकिन h पता है कितना 14, और बराबर में 264 दिया हुआ है। आप सारे विद्यार्थी को याद होना चाहिए कि किसी भी बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है, ठीक ना। तो h का मान 14 रख दिए, अब काटो यहां पे सब लोग, 7 से कटेगा 2 बार में, 22 दुना 44 और 44 दुना 88, हमको लगता है 3 बार में कट जाएगा, 88 से ही 3 बार में कट जाएगा, तो r बराबर 3, देखो त्रिज्या 3 निकल गया और क्वेश्चन में ऊंचाई दिया है 14। सवाल कहता है कि इसके बाद आयतन बताओ कितना है, तो आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, इसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो पाई का मान 22/7, आर का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और एच का मान 14 है, तो 7 से कटेगा 2 बार में, तो यहां पर हो जाएगा 396 आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, आयतन का यूनिट क्यूब में होता है, क्षेत्रफल रहे तो स्क्वायर में होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद हुआ जी, फॉर्मूला बेस्ड ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और आयतन बोलिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। मेंसुरेशन का सवाल तभी कर पाएंगे जब आपके पास फॉर्मूला रहेगा। देखो यहां पर क्वेश्चंस क्या कहता है सुनिएगा सब लोग देखिए x की वैल्यू 2+√3 है, x की वैल्यू जो है ना वो दिया है 2+√3, हम चाहते हैं 1/x का मान लिखना, 1/x का मान, तो डायरेक्ट चाहे तो आप लिख सकते हो माइनस का साइन दे करके, लेकिन देखो कैसे हो रहा है, मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए x का मान दिया है ना तो नीचे लिख दिया ऐसे, हम 1/x लिखना चाहते थे, x का मान बैठा दिए, अब इसको क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे, परमेयकरण, तो परमेयकरण का नियम है जी कि चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा, चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा, और नीचे में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, उल्टा चिन्ह माइनस वाले से ऊपर भी गुणा और माइनस वाले से नीचे भी गुणा कर देंगे, माइनस वाले से ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, ऊपर वाला आपके सामने है, और नीचे में जब माइनस वाले से गुणा करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखो मैं बढ़ा दे रहा हूं यहां पर, टू माइनस रूट थ्री से ऊपर गुणा और टू माइनस रूट थ्री से नीचे गुणा, तो ऊपर में हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री और नीचे देखो फॉर्मूला ए प्लस बी इन टू ए माइनस होता है ए स्क्वायर, तो चार रूट तीन का स्क्वायर तीन और चार माइनस तीन घटेगा एक, एक का कोई मतलब नहीं है, है ना, एक का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा एक्स का मान इतना हो गया और वन बाय एक्स का मान इतना हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से सुनिए इसके वर्ग का अंतर करो, इसका वर्ग चार और इसका वर्ग अंतर कितने का, अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी अंतर एक हो जाए, अंतर एक हो जाए तो याद रखना इसके इनवर्स का मान भी यही होगा, बस चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि वर्गों का अंतर एक रहेगा तब। फिर से एक बार, एक्स का मान इतना है, मतलब आपको एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना है, हमारा कहने का मतलब ये है इतना यहां पे नहीं करना है, एक्स का मान इतना दिया है, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा, तो चार इसका स्क्वायर तीन, अंतर कितना है एक, एक तो वन बाई एक्स का जो मान होगा, इसके इनवर्स का जो मान होगा वो यही होगा, सिर्फ चिन्ह क्या होगा अगर बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में, ये डायरेक्ट आपको लिखना है, ना कि इतना आपको करना है, समझे। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स, उधर जोड़ेंगे तो प्लस का रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री कट जाएगा, बोलो दो और दो चार हो गया, x प्लस वन बाई एक्स का मान चार हो गया, सही बात है जी। अब x प्लस वन बाई एक्स का मान चार है तो ये क्या लिखा है, यह एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तो क्या हो जाएगा चार का स्क्वायर माइनस दो, आंसर कितना चौदह। आपको ये चीज पता है ना कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू होता है, तो यहां बैठा देंगे यहां पर, ऐसे हो जाएगा हमारा, बुझाया जी। दूसरा नंबर ऐसे भी आप रख के कर सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं, है ना, इसको इसमें कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़े अब तो सुनिए रहे हैं, है ना, अब तो सुनाई हमको दे ही रहा है, इसमें कोई डाउट है, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो दूसरा नंबर ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना, देखिए यहां पर एक्स का मान कितना है टू प्लस रूट थ्री, यहां बैठा दो आप, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया, समझे। एक्स का मान कितना दिया टू प्लस रूट थ्री, यहां हमने बैठा दिया ये और में आपका टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए जानते हैं इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर पावर माइनस वन, क्यों जी, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का इनवर्स हो गया, है ना जी। तो बोलिए इसका इनवर्स क्या होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस में, है, जैसे एक्स का मान इतना तो वन बाई एक्स का मान क्या होगा, ये एक्स पावर माइनस वन का मान कितना होगा, तो माइनस में होगा, और इसका भी क्या है स्क्वायर है, इसका भी ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो यहां हमने स्क्वायर कर दिया, बुझाया, एक्स का इनवर्स है जी और उसका होल स्क्वायर है, तो इनवर्स का मान माइनस में होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आता है सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना, तो लगा दीजिए टू इंटू ए स्क्वायर दो का स्क्वायर और बी स्क्वायर और तीन का स्क्वायर तीन, हो गया टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चार तीन सात दूना चौदह, चौदह आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलिए जी, तो इसलिए हम सुन रहे थे, हम बोलवे की और मैं बता सकते हैं, है ना, इसलिए भाव नहीं दिए, है ना, मैंने बोला है कि और मैं बता रहा हूं, है ना, और आप जो है वो अपना जिद पकड़े हुए बक रहे हैं ना, इसलिए भी इग्नोर भी कर रहे थे, है ना, नहीं कुछ नई चीज रहता तो जरूर, हम नहीं बताने वाले तो भाव जरूर देते हैं ना, मैंने बोला कि हम बता रहे एक और तरीके, है ना, और कुछ कहना है किसी को, तो कभी इग्नोर नहीं करते हैं किसी का सवाल को, है ना, लेकिन हम बताने वाले थे इसलिए हम इग्नोर किए, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, सवाल करें यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, है ना, तो बर्बाद हो जाएगा लोग, है ना। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें कौन है जी? रोशन सिंह ब्लॉके सर, लाइव है, लाइव ही वे जिंदा है ना, डेड नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक वाइक करो यार, है ना, अच्छा लग, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगे तो डिसलाइक मारना है, लेकिन कुछ करना है, या तो लाइक करो नहीं तो डिसलाइक करो, कोई एक काम करना है। हमको लगा डिसलाइक का ऑप्शन शायद हम नहीं देता है, नहीं देता है, देता है तो कोई बात नहीं, उसको भी मारो आपका, है ना। अच्छा लगे तो लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक, है ना। कुछ होते रहना चाहिए, है ना, साइलेंट एकदम मत रहिए जिंदा लाश की तरह, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ होते रहना चाहिए, और हमको पता है क्या होगा, है ना। सुनिए, यदि हम शिक्षक को छोड़ दे तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। थोड़ा समझना है, शिक्षक को छोड़ दे मतलब एक लोग को कम किया जा रहा है ना, तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है यदि प्रारंभिक औसत 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु कितना है। देखिए प्रारंभ में जानते हैं 41 लोग थे, तब शिक्षक को छोड़ा जाएगा, 40 गो स्टूडेंट और एक गो टीचर, शुरुआत में कुल मिला के 41 लोग थे, टीचर भी शुरू में थे, तब ना छोड़ा जा रहा है। तो बताइए टीचर को छोड़ने से औसत में कितने का कमी हुआ? 0.5 का कमी हुआ। आपको पता होनी चाहिए कि एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बॉडी, यस, मतलब क्या, जितना परिवर्तन औसत में होता है उतना ही परिवर्तन सब में होता है, सारे विद्यार्थी में यानी सारे लोग में आपका होगा। अगर औसत 0.5 से गिर गया तो समझो वहां पर 40 लोग हैं, 40ों में 0.5 की कमी होगा। 0.5 का मतलब क्या था? आधा, आधा की कमी, आधा की कमी, आधा की कमी, कई लोग में 40 लोग में आपका, तो कुल मिला के 20 की कमी हो जाएगा, है ना। तो आधा कमी हो रहा औसत में, 40 लोग है, अब देखो टीचर को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि टीचर जो है चला गया, तो रेस्ट कितने लोग बच गया? 40 आपका, है ना। तो औसत में इतने की कमी, तो टोटल में कितने की कमी हो गया? तो देखो जीरो से एक अंक के पहले डेसिमल खत्म, 20 की कमी हो गया टोटल आपका, पूरे ग्रुप में 20 की कमी हो गया आपका, एक टीचर को जाने से 20 की कमी हो गया, जबकि पहले से एवरेज कितना था? 18। सोचिए पहले से एवरेज था 18 और एक टीचर को जाने से 20 की कमी हो गया सीधे, इसका मतलब टीचर की उम्र क्या था? तो औसत से 20 ज्यादा था, यानी 38 साल था। नहीं बुझाया? एक बार फिर से समझिएगा, औसत में 0.5 की कमी हो गया, तो औसत उम्र 0.5 अगर कम रहा है औसत में, तो ये कमी सब में होगा, और सब में मतलब जाने के बाद जो लोग बचे उसमें, तो टीचर चल गया तो बचा क्या? वो 40 वो, तो अरे यार सुनो ध्यान से, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, जीत पकड़ लेते हैं, सुन नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं, आपको पहले ही सुन लिए थे, बोल रहे हैं बात, 40 एक 41 को था, तो बोले ना, हाँ मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो ना पहले, है ना, मैं पूछ रहा हूं क्या पहले से 41 था कि नहीं था, इसमें कोई डाउट है? पहले से कितना था? ए आपसे पूछ रहे क्या वो था, फिर मैं पूछ रहा हूं पहले कितना था, पहले आप बताओ कितना लोग थे वहां पे टोटल, कैसे 42 हुआ? खड़े हो जाइए थोड़ा, है ना, आप बताइए 42 कैसे होगा? हाँ हाँ
मतलब दो शिक्षक वाले थे, एक कहां लिखा है? हाँ, कह रहे यदि हम शिक्षक की आयु को छोड़ दे, है ना, तब ऐसा नहीं करे कि एक ही एक शिक्षक को छोड़ दे, है ना। अब हम कहेंगे दो, तब तो फिर 45 लोग हो जाएगा। हाँ जीत, आप क्या बोले थे कि जितने शिक्षक होंगे उसकी आयु को छोड़ दिया गया, तो आपको क्या पता है कि एक ही शिक्षक थे? पांचों को मान सकते हैं, हैं? तो छह को मान सकते हैं, तो मतलब जो लिखा है उतना ही होगा, ऐसे तो पांचों छह सात होगा, हो गया, जितना जो लिखा है तो वही ना होगा। वैसे तो आपके हिसाब से तो फिर कितनों टीचर यहां पर हो सकता है? तो जो लिखा है वही यहां पर, एक शिक्षक वहां लिखा है और कहता है कि शिक्षक को छोड़ा जा रहा है, तो एक ही की बात है आपका, है ना। अब समझ गए, फिर से एक बार देखो बात को समझिए। औसत में 0.5 की कमी, पहले से टोटल थे आपका 41 लोग, यहां पे देखो एक नहीं बोला है। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्र और एक शिक्षक की कक्षा की, देखो यहां भी लिख दिया है 40 को छात्र और एक शिक्षक की कक्षा है, यहां पर यहां से भी क्लियर है 41 लोग हैं, है ना। आयोग को छोड़ दे तो औसत में इतना का कमी हो जाता है, तो ये कमी 40 लोग में होगा, तो 40 गुना इतना टोटल 20 की कमी होगा। और जबकि प्रारंभिक औसत, ये भाषा पहले लिखना चाहिए तो पीछे लिख दिया है, पहले औसत कितना था 18, जब 41 थे तब, लेकिन एक टीचर को जाने से सीधे 20 का कमी हो गया। अब 20 का कमी हो गया, इसका मतलब टीचर 20 ज्यादा के थे, 20 वर्ष ज्यादा के थे, औसत से 20 ज्यादा के थे, तो जोड़ दिए तो 38 हो गया, और नहीं तो फिर वो नहीं बुझा रहा है। तो फिर क्या करिए, 41 गुना 18, पहले का औसत और पहले की संख्या 41 में से 40 और गुना पहले से औसत 18 था, आधा घट गया, तो 17.5 को क्या करेंगे हम, गुना कर घटा देंगे। 41 लोग का औसत इतना, एक टीचर चले गए तो 40 लोग बचे, औसत 0.5 से कम हो गया, तो 18 नहीं 17.5, तो 40 लोग के उम्र को अगर हम 41 लोग के उम्र से घटा देंगे तो घटाइए ना, इतने आएगा 38 आएगा आपका, ये शिक्षक का हो जाएगा, बेसिक आपका है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए यहां देखिएगा। तीन सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं तो कम से कम दो चीत आने की प्रायिकता है। चीत मतलब समझते हैं हेड, अब पट मतलब हो गया टेल, चीत पट, है ना, चीत मतलब अभिषेक भाई एलपी का बैच जब वैकेंसी आएगा तब आएगा, है ना। अभी आप डेली में बने रहो, आपकी तैयारी हो रही है, समझे, आप डेली बने रहिए, एलपी की तैयारी हो रही है, दूसरा सवाल नहीं पूछता है, समझे। सुनिए क्या बोले, तो चीत मतलब क्या हो गया हेड, अपट मतलब टेल। सुनो यहां पर क्या करे, कौन गाना सुनते हैं? हम इंसान ना है बताइए। नहीं कह सकते, जवाब हमारा ही ना हो, हम इंसान ना है तब। दुनिया का कुछ काम को छोड़ के हर काम हम भी करते हैं ना, इसी बात ना है ना। कुछ कुछ काम है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है ना। तब जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो हमारे भी ऐसी थोड़ी ना है, जो आप खाते पीते हम भी खाते पीते, मतलब जो भी चीजें है ना। अब ऐसा थोड़े किसी के पास बहुत पैसा हो जाएगा, आपके पास भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा थोड़े कि हीरा सोना खाने लगिएगा, ये दाले चावल खाइएगा, तो वही चीज होता है आपका। अब मानी साहब होंगे तो भी वही खा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वो प्लेटिनम खा रहे होंगे, है ना, और सब या फिर और कोई आपका महंगी चीजें खा रहे होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो भी आपका वही खा रहे होंगे ना, वही चीज आपका होता है, तो ये सब कभी नहीं सोचना है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीन सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करता हूं, आपको आना चाहिए 2n। क्वाइन के केस में सैंपल स्पेस होता है 2n, जैसे एक सिक्का को n बार उछाला जाए या n सिक्का को एक बार उछाला जाए, ठीक ना।
एक सिक्का को एन बार उछाला जाए या एन सिक्का को एक बार उछाला जाए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 का पावर n होता है। कई गो सिक्का उछाला गया? 3 गो, तो 2 के पावर 3 8, सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा आपका। यानी 3 सिक्का उछालेगा, जैसे 3 लोग को एक एक सिक्का दे दिया जाए, बोला जाए उछालने के लिए, है ना, तो कुल मिला के 8 घटनाएं घट सकती है। तो सवाल कहता है कि उस पर 8 वो घटना में से कम 2 चीत आने की प्रायिकता क्या है। तो आप जरा सोचो कि 3 लोग को सिक्का दिया गया उछालने के लिए, तो बताइए कि 8 घटना में से कितनी घटनाएं ऐसी बनेंगे जिसमें कम से कम 2 गो हेड होगा। तो सुनिए मेरी बात को सुनिए, पहला आदमी को हेड आएगा, पहला आदमी के कॉइन पर हेड आएगा, दूसरे का आदमी के कॉइन पर हेड आएगा और तीसरे पर टेल आएगा। तो देखो 2 गो हेड हुआ, पहले पर हेड आएगा, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आएगा, देखो 2 गो हेड हो गया, पहला पर टेल आएगा, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आएगा। मतलब ये भी समान हो सकता है शुरुआत के दोनों क्वाइन पर हेड आवे, हो सकता है अल्टरनेटली दोनों पर हेड आवे, हो सकता है पीछे से दोनों आपका हेड आवे। तो ये तो 2 गो का हो गया, तीसरा, और यहां पर 2 से अधिक भी बोल रहा है, कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो देखो एक ऐसा भी तो स्थिति बन सकता है जिसमें 3ों का हेड आएगा, है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा। यानी 8 वो घटना में 4 वो ऐसा घटना होगा जिसमें कम से कम 2 वो हेड आएगा। हो सकता है शुरुआत में दोनों हेड आ जाए, हो सकता है अल्टरनेट में आए हेड, हो सकता है पीछे में दोनों हेड आ जाए, या हो सकता है 3 आदमी का 3 गो लोग कॉइन उछाला, 3ों का हेड आ जाए आपका। ये भी तो हो सकता है ना, कम से कम 2 का मतलब क्या होता है, 2 हेड वाले को भी गिनना है और 2 से अधिक यदि आ रहा तो उसको भी गिनना है। तो कुल मिला के इवेंट्स कितने हो गए, 4, और सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एनी बटा एनएस होता है। तो 4 ऊपर और 8 नीचे, आंसर 1/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कुमार सोनू गुरु जी, हमारा सिलेक्शन बीपीएससी टीचर में हो गया, आप ही से मैथ पढ़े थे, चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना। अच्छी बात है, पढ़ाना ध्यान से, है ना। हाँ आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, एक वृत्ताकार लोन की परिमाप कितना है, 1232 मीटर आपका है, परिमाप कितना है, 1232 मीटर आपका है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर सबसे पहले तो आप रेडियस निकालिए सारे विद्यार्थी, आपको पता है परिमाप होता है 2 22/7 आर, बराबर कितना हो जाएगा, 1232 हो जाएगा, सही बात है। वृत्ताकार लोन है जी, एक सर्कल है, सर्कुलर लोन है, तो सर्किल का परिधि 2πr होता है, बराबर दिया हुआ है। इसको हो सके तो आप सारे विद्यार्थी काटिए, देखिए ना 22 से 22 2 44 से कट जाएगा, ये 28 बार में, तो r का मान बोलिए ना, 28 × 7 कितना, 196 आपका हो गया, तो त्रिज्या निकल गया 196। अब कहता है कि लोन के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो कैपिटल आर जो होगा ना वो 196 और प्लस का 7 हो जाएगा, 203 हो जाएगा। नहीं समझे इसको, जैसे देखिए इस सर्कुलर एक लोन है जिसका त्रिज्या कितना है 196, इसके बाहर में 7 मीटर जो है ना चौड़ा रास्ता है, गोल गोल चारों तरफ, तो आप हमें बताइए पूरा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका, 203 हो जाएगा, है कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा आपका। तो छोटी आर 196 और बड़ी आर 203 हो गया आपका, थोड़ा डाटा बड़ा है तो घबराना नहीं है, रूल है वही लगेगा आपका, है ना। आइए ना, कहता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ कितना है। आपको नहीं लग रहा है कि ये एक रिंग है, वलय है, और वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर होता है, है ना। तो यहां पर देखो पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस माइनस छोटी आर स्क्वायर, इन निकालना है जी। अब सारे विद्यार्थी बताइए पाई का मान 22/7। अच्छा एक बात बताओ, यहां बैठाने में बड़ा तकलीफ होगा, 196 का स्क्वायर है 203 का स्क्वायर,
तब कैसे सोचेंगे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे। आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी, यानी एक बार जुटेगा और फिर ए माइनस बी एक बार घटेगा, है ना बात है? एक बार जुटेगा ए प्लस बी और एक बार घटेगा ए माइनस बी, यानी आर प्लस आर फिर आर माइनस आर। तो जोड़िए ना इन दोनों को, 399, बहुत बढ़िया। और फिर घटाएंगे तो घटाएंगे तो सात हो जाएगा, तो इस सात से सात क्या होगा? कट जाएगा। अब 399 को आप 22 से क्या करो? गुणा कर दो, 8822 घटेगा, ये हो जाएगा क्या? तो हो गया आंसर आपका। और क्या हमने गुणा कर लिया, हमने गुणा किया जानते हो कैसे? 400 और माइनस एक से गुणा किए, 399 को क्या लिखेंगे? 400 माइनस एक, 2200 का 8800, अब 8800 में से 22 घट गया तो 8778 हो गया आपका, नहीं हो गया? तो बताइए ये जो रिंग आपको चारों तरफ दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बड़ी आर 203, छोटी आर 196, लेकिन यहां पर बड़ी आर छोटी आर डायरेक्ट मत बैठाइएगा, नहीं तो स्क्वायर करने में आपको टाइम लग जाएगा। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक बार प्लस में ए प्लस बी तो जोड़िए 399, एक बार ए माइनस बी घटाएंगे तो कितना? सात। आप सोल्व कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा आपका। किसका मल्टीपल? नौ का। नौ का कहां मल्टीपल इसमें है? ग्यारह ठीक है, लेकिन नौ जो आप बोले वो मैं बोल रहा हूं, है ना? एक मिनट, आप बोलिए ना क्या बोल रहे हैं? नौ का मल्टीपल आप बोले ना, तभी कोई बोला था नौ का जी, अच्छा मिस्टेक हो गया है। हाँ तो ग्यारह का तो ही है, ग्यारह दूना 22। अरे गुना करने में टाइम लग रहा है जी, नौ तो का मल्टीपल देख रहा है क्या है? 400 माइनस 22 चौका 8800 में से 22 घटा हो गया 8772, है ना बात? डिजिटल सम लगा दो फिर, तब तरीका तो खैर अनेको है। आगे बढ़ते हैं, 6 साल पहले का रेशियो यहां पर दिया है 6:5। देखिएगा जी 6 साल पहले आप चलिए तो साइना और सागर का रेशियो दिया है 6:5 दिया है, 6 साल पहले जाइए। फिर कहता है कि अगले 4 साल में, यानी 4 साल बाद हो गया, अगले 4 साल यानी 4 साल बाद रेशियो कितना है? 11:10 है। एक बात बताइए समय कितना बढ़ा? 10 साल बढ़ा। पहले का समय 6 साल पीछे का आज से, और ये समय आज से 4 साल आगे, तो ओवरऑल 10 साल बढ़ा आपका। ऐसे भी देखिए पहले और बाद रहेगा ना तो जुट जाता है, पहले बाद रहेगा तो जुट जाता है आपका। हाँ तो यहां पर हम जोड़ देंगे, है ना? तो बोलो रेशियो कितना बढ़ेगा जी यहां पर? यहां भी 5, यहां भी 5, तो 5 रेशियो बढ़ा। और समय कितना बढ़ा? 10 साल। तो 5 रेशियो का मान 10 साल, तो 1 रेशियो का मान 2 साल। करे वर्तमान में सागर की आयु बताओ कितना है? सागर का आज का पूछ रहा है, तो यहां देखिए सब लोग सागर का ही ना पीछे वाला रेशियो, ये तो साइना ही सागर, तो 1 रेशियो 2 साल तो 10 रेशियो का मान। तो सागर का उम्र 20 साल, लेकिन कब? 4 साल बाद। तो आज कितना? 16। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कर सकते हैं ऐसे? डाउट रहेगा किसी भी विद्यार्थी को पूछिएगा, समझे? चलिए छोटू का भी हो गया अभी पीसी टीचर में, अच्छी बात है। अब काय के लिए पढ़ रहा है जी? कौन सा? यही ना? नहीं नहीं जो भी होता है ना एज प्रॉब्लम में, जो भी इतना साल बाद इतना साल पहले, हमेशा उसकी कंपैरिजन प्रेजेंट से होता है, ये हमेशा याद रखिए। कहां से होता है? प्रेजेंट से, हमेशा। बोल रहा है 10 साल बाद तो प्रेजेंटेस 10 साल बाद, 4 साल पहले तो प्रेजेंटेस 4 साल पहले, कहीं लिखा है ना बाद पहले तो प्रेजेंटेस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। सुनिए 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। सवाल ऐसा कहता है कि 10 पुरुष, देखिए जी यहां पर 10 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 15 दिन में। तो जानते हैं टोटल वर्क हो जाएगा, है ना? आदमी की संख्या और गुना समय को कुल काम कहते हैं। 10 आदमी
15 दिन में काम है खत्म कर दे रहा है, मतलब काम कितना है तो 10M और गुणा 15। आगे फिर पढ़िए, अब कहता है कि वही काम पर सात को पुरुष के साथ तीन महिला लग गई। तो देखो यहां पे लिखेंगे 7M और प्लस में लिखेंगे 3 फीमेल लिख सकते हैं या वोमेन लिख सकते हैं, कुछ भी मिल के कर रहा है तो जानते हो कई दिन लग जा रहा है, 20 दिन लग जा रहा है। ये भी वही काम है, आदमी की संख्या गुणा समय, और ये भी वही काम है, तो काम को काम से इक्वेट कर दिए, है ना जी। अब यहां से रेशियो बनाइए सारे लोग, 5 से 4 बार में 5 से 3 बार में, थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करो। देखो 10 दिया 30M और 7 चौके 28M, तो 28M आके 30M में से घटेगा तो 2M, सही बात है, और 4 दिए 12F हो गया, तो 2 से कटेगा 6 बार में। आपको समझ में आ रहा होगा, मेल का रेशियो मैन का 6 हो गया और फीमेल का 1 हो गया, ये इफिशियंसी का रेशियो बन गया। अब आपको टोटल वर्क लिखना है, तो या तो M के जगह पर 6 और F के जगह पर 1, या तो इधर बैठाइए या तो उधर बैठाइए, टोटल वर्क हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क के सेंस संयम ने बराबर किया है। तो आइए ना, M का मान 6 बैठाते हैं तो बोलो 10 6 60 और गुना 15, ये हो गया टोटल वर्क। सवाल कहता है कि एक महिला द्वारा काम कितना दिन में किया जाएगा, एक महिला द्वारा कह रहा है काम कै दिन में होगा, तो काम कितना है पहले ये बताओ, 900 टोटल काम है, आ एक महिला कई दिन में करेगी तो महिला का इफिशियंसी 1 से भाग कर देंगे तो 900 दिन आंसर हो जाएगा आपका। आया है 900 दिन सबका, चलिए अच्छी बात है। सवाल क्या कर रहा, 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में, तो आदमी की संख्या गुना समय टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क हो गया LHS में। अब फिर कर वही काम को 7 पुरुष और 3 महिला मिलकर, तो इसे प्लस में लिख दिया 7M + 3F, कई दिन में 20 दिन में, तो यहां भी आदमी की संख्या गुणा समय टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। अब यहां पर काट दिए तो M का रेशियो आ गया 6, इधर F का रेशियो उल्टा होता है जी, ये इफिशियंसी का रेशियो बन गया। अब M के जगह पर 6 या तो इधर बैठा हो या तो इधर बैठाइए, तो इधर बैठा दिए, 10 6 60 और गुना 15 करिए कितना 900, ये टोटल वर्क हो गया। यही टोटल वर्क करे एक महिला कई दिन में करेगी। तो जब भी आपको किसी का समय निकालना होता है कि पूरा काम करने में क्या टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क को लिखते हैं ऊपर, और जिसका समय निकालना उसकी क्षमता से भाग करते हैं। तो एक औरत की क्षमता कितना है, 1 है, 1 से भाग कर दिए, आंसर हो गया 900 दिन। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सवाल क्या कहता है, सुनिएगा, एक बैंक में निवेश किए गए मूलधन पर इतना परसेंट वार्षिक दर साधारण ब्याज मिलता है, तो वो क्या है रेट और ये क्या है टाइम, तो 12,000 रुपए की मूलधन पर अर्जित ब्याज क्या है, साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा सरल बात है जी, साधारण ब्याज तो निकल ही जाना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, बोलिए 12,500 और समय कितना 4 और दर कितना 3.5 और बटा में 100 हो गया। साधारण ब्याज का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगाए हैं, मूलधन गुणे समय गुणा दर बटा में 100, है ना बात है। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से ही 2 जीरो खत्म हो गया। देखिए यहां 125, अच्छा 125 चौके 500 कर दो, सीधे गुणा हो जा रहा है, और 3.5, देखो 1 जीरो से 1 अंक के पहले डेसिमल खत्म, 35 का 5 गुना कितना 175, 1 जीरो बैठा देंगे 1750 हो जाएगा आपका। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुना दर बटा 100, सीधे हम लगा दिए यहां पर। सुनिएगा ये हमारा क्या कहता है, इसका आंसर कितना आया है जी, कितना 50% आपका, है ना 50%। देख लेते हैं यहां पर डिस्काउंट 2 तरह का मिल रहा है, नहीं हाँ, देखो जी कहता क्या है सुनिएगा, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है और 25% का डिस्काउंट, एक तो प्रॉफिट उसको यहां पे हो रहा है कि 80% बढ़ा लिया, बढ़ा करके प्रिंट कर दिया वस्तु पर, सामान पर, जितना उसका लागत पड़ा था उससे 80% बढ़ा दिया।
अब बढ़ा के 25% डिस्काउंट दिया, तो यहां तो उसको फायदा हुआ ही है ना। चलो इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। 80% बढ़ाया और फिर 25% का डिस्काउंट दिया, तो प्लस 80 माइनस 25 और माइनस में हो जाएगा 80 गुणा 25 बटा 100। तो बोलिए 25 से 4 बार में और 4 से 20 बार में, तो बोलिए 80 में से 25 घटेगा 55, अब 55 में से फिर 20 घटेगा 35 हो जाएगा। यानी मान के चलो कि 35% प्लस में आया, मतलब ये प्रॉफिट है, समझे, 35% प्रॉफिट हुआ इसके मदद से। यहां तक कभी कभी तो इतने क्वेश्चन रहता है जी, इतना ही क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके कि 80% से पहले बढ़ा के प्रिंट किया गया और फिर 25% का डिस्काउंट दिया गया, बताओ उस व्यापारी को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहां पर प्रॉफिट जो आपका होगा वो हो जाएगा आपका 35% हो जाएगा, सही बात है, 35% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इतना ही आंसर कर देंगे, इतना सिर्फ सवाल रहता तो। लेकिन प्रॉफिट दो जगह, एक तो यहां प्रॉफिट और एक जगह वजन में उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहां हम लिख देंगे सीपी एक तरफ और दूसरे तरफ लिख देंगे एएसपी। चलो इसके हिसाब से लिखो पहले, 35% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी 100 और एएसपी 135, इसके हिसाब से लिख लिए। आगे पढ़िए, वजन में भी उसको फायदा हो रहा है। सुनिए, इसके अलावा वह माल बेचते समय वह 10% वजन कम देता है, 10% वजन कम देता है, यानी पैसा लेता है 100 के बराबर और दे रहा है कितना, 90 आपका, तो 90 क्रैमूल हो जाएगा उसके लिए। दुकानदार दुकान से कितना निकल रहा है सामान, 90 निकल रहा है, जो कि दुकानदार का लागत है, पैसा ले रहा है कितना, 100 के बराबर आपका, तो 100 के जो पैसा ले रहा है वो सेलिंग प्राइस है, है? और उसके दुकान से जा कितना रहा है सामान, 90 जा रहा है आपका, 90 ग्राम दे रहा है और 100 ग्राम का पैसा ले रहा है, यानी इसका मतलब वो 10% कम तोलने का मतलब, तो 90 ग्राम दे रहा है तो उसके दुकान से निकल रहा 90 ग्राम जो कि उसके लिए क्रैमूल का काम करेगा, और पैसा ले रहा है 100 ग्राम के बराबर, वो भी क्रैमूल का काम करेगा। ऐसे भी देखो, रट लीजिए कि जितना तोल के देता है ना वो हमेशा सीपी होता है, एकदम फिक्स है बात, जितना तोल के दे दिया दुकानदार वो दुकानदार के लिए सीपी होता है। तो 10% कम दे रहा है मतलब 90 तोल के दे रहा है, तो 90 को क्या कहेंगे, जितना तोल के देता है, ये बेईमान दुकानदार वाला टाइप में इस तरह के सवाल में दिखेगा, जितना तोल के दे दिया हमेशा क्या होता है, सीपी, तो 90 दे रहा है 10 कम, तो सीपी और एसपी हो गया। अब ये भी लाभ हुआ, यहां भी लाभ हुआ, यहां भी लाभ हुआ, करे ओवरऑल कितना लाभ हुआ, दोनों सब मिला करके, वजन वाला और जो प्राइस बढ़ा के प्रिंट किया था वो वाला, सब मिला के ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो यहां भी रेशियो बना लिए। अब काटो यहां पर, अगर इसमें और इसमें कुछ कट रहा है तो जरूर काटिए, थोड़ा छोटा होगा तो कट रहा है, देखो नहीं कटा, सीधे काटिए 15 से 45 से काटिए, 45 से दो बार में और 45 से तीन बार, तो ओवरऑल सीपी हो गया 2 और ओवरऑल एसपी हो गया 3, तो लाभ कितने का हो गया, 150 यानी 50% लाभ हो गया, नहीं हो गया। मैंने एक दो सवाल ऐसा देखा, तीन तीन वो डाटा दे देता है, सवाल ही दो पार्ट में बांटा है, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला होगा, एक और दे देता है रुपया में दे देता है, तीन गो जब देगा तो सीपीएसपी एक गो दो गो और फिर तीन गो लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे आपका। तो 1000 यहां करेंगे तो यहां 900 हो जाएगा, फिर जब यहां 1000 ग्राम लीजिएगा तो यहां 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम, तो यहां 900 हो जाएगा, फिर तो 0-0 कटेगा, तो वही हो जाएगा। जैसे 100 से 90 लीजिए, या अगर 1000 ग्राम मानते हैं तो फिर 900 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, कोई 10 सिर्फ लेगा तो यहां 9 लेगा आपका, फिर तो 0-0 कट के वही आएगा आपका। हां कर सकते हैं, देखिए यहां पर हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग, बस 2-4 मिनट यहां ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है जी, देखो यहां पे बराबर का चिन्ह है, जैसा कि यहां पे इंग्लिश में दिया हुआ है ना, बराबर का चिन्ह यहां पर है। सुनिए, 27 को क्या आप लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, और 81 को लिखेंगे 3 के पावर 4, और पहले से पावर कितना है 2n और प्लस का 3 है, और इसको उधर लेके आप चल जाओ तो हो जाएगा 3 पावर m हो जाएगा, माइनस में उधर प्लस में चला गया।
अब देखिए सारे विद्यार्थी बताइए, यहां पर बेस कितना, यहां भी आरएचएस में भी तीन, तो आप अकेला करो बेस तीन पर काम करिए। देखिए पावर पावर तो गुना ना हो जाएगा, तो तनी गुना करिए, तो आठ एन प्लस में चार तीये बारह, आठ एन प्लस बारह आई पावर वाला तीन और जुड़ जाएगा, तो आठ एन और प्लस का पंद्रह हो जाएगा। कहोगे ई कैसे हो गया, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेस बराबर आ बीच में गुना तो पावर जुट जाता है, तो यहां हुआ आठ एन प्लस बारह, अब प्लस का तीन हुआ तो आठ एन प्लस पंद्रह हो गया। अब तीन तीन कट गया तो एम बराबर यही मान हो गया, एम ही का मान तो पूछता है, तो आंसर कौन सा डी हो जाएगा, एम का मान एट एन प्लस में फिफ्टीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, आप सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे, अगला सवाल क्या कहता है, चार घंटियां कहता है कि छह आठ नौ और दस सेकंड के अंतराल पर बजती है ना, और कह सभी घंटियां एक साथ पर एक साथ बजती है, तो अब कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। कभी भी देखो घंटी वाला सवाल हो, धावक वाला सवाल हो, सिग्नल पोस्ट की जो बत्ती वाला है, चौराहा की बत्तियां वाला जब सवाल हो, पूछेगा वह कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर सभी घंटी एक साथ बजेंगी, सभी धावक एक साथ पहुंचेगा, सभी सिग्नल की बत्तियां एक साथ रंग बदलेगी, जब भी वो कॉमन टाइम पूछेगा हमेशा क्या करते हैं लसा करते हैं। तो आप सारे विद्यार्थी इसका लसा निकाल सकते हैं, मैं देख पा रहा हूं 360 सेकंड आ रहा है, और 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा 6 मिनट, और हम कह सकते हैं 6 मिनट के अंतराल पर ये चारों घंटियां बार बार बजेगी इकट्ठी। आपका बस एलसीएम करना है, वही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, कितना आंसर है इसका, दो, देख ले रहे हैं। एम जो है यहां पर एम चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ऐसे तो नॉर्मली विदाउट कंडीशन अगर हम बात करें तो चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, अगर कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो तब, कोई पाबंदी ना हो तब 9999 चार अंक की सबसे बड़ी संख्या, चार गुना, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशन है, चार अंक की यहां भी बड़ी संख्या निकालना है, लेकिन उसमें ये सब बात फॉलो होना चाहिए, समझे, हाँ। तो आइए ना, क्या है कि चार पांच छह सात से भाग देने पर शेषफल इतना बचे, जरा ध्यान दो यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां यहां भी डिफरेंस, यहां भी डिफरेंस दो, भाग इससे दे रहा है शेषफल ये बच रहा है, ये भाजक है और ये शेषफल है, अंतर समान है, भाजक और शेषफल का अंतर क्या है जी, समान आपका है, तब क्या करेंगे सुनिएगा, यहां पर करना क्या, देखो चार पांच छह सात का एलसीएम करना है ना, और यहां पर के से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि चार अंक की बड़ी संख्या में हमको जाना है, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफरेंस सब जगह कितने का है, दो दो का है, तो दो क्या करेंगे घटा देंगे। देखो संख्या निकालने का यही तरीका होता है, जब भाजक और शेषफल का अंतर समान हो, एक टाइप है ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको कभी कभी दिखेगा, अंतर समान रहेगा तो भाजक का एलसीएम करिए और जितना डिफरेंस है उसको घटा दीजिए, तो कहेंगे सर के से गुणा का है किया, तो यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है, मतलब कुछ यहां पे कह रहा है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे कुछ, अगर कोई पाबंदी नहीं रहता तो के से गुणा नहीं करते, खाली लसा लेके घटा देते हो जाता आपका, लेकिन कुछ कह रहा है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे कुछ है ना, तो वहां पर के गुणा करना जरूरी है। आइए ना इसका लसा बताइए सब लोग, 420 आपका, 420 और गुणा में के और माइनस का दो, अब यही तो सोचना है यहां पर कि हम के जगह पर कितना पुट करें, के जगह पर हम कितना पुट करें कि चार अंक के सबसे बड़े संख्या में चल जाए, हम चार अंक के सबसे बड़ा में जाना है, तो जरा सोचो थोड़ा माथा लगाना है, अगर हम 20 रखते हैं सपोज, सुनिए ध्यान से, 20 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8400 पर हम पहुंच चुके हैं, मोटामोटी 84 पहुंच गए, 84 पहुंच गए है ना, लेकिन यहां पर अभी तो 99999 बड़ा होता है, तो और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा, इससे हमको समझ में आया कि और हमको आगे जाना होगा। सोचो जरा अगर आप 30 जाते हो तो आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, 25 पर एक बार ट्राई करो, 25 चौके 100 ये भी आगे निकल जाएगा, इसका मतलब कंफर्म है कि 20 और 25 के बीच में होगा। 24 पे जरा ट्राई करिए, तो 24 चौके 96 और 24 दुना 48 ये भी पार करिए आपका,
यानी 23 पर हो गया आपका, 23 पर हो गया, तो देखो यही m का मान हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए 23 से गुणा करते हैं, देखो जी 0 और 23 दूना 46 का 6 4 और 23 के 92 और 4 96 यही ना आएगा है, और माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा 9 6 6 5 8 यही m का मान आ जाएगा। इससे अगर आप आगे बढ़ते हो 24 रख के, तो फिर आपकी एंट्री 5 अंक में हो जाएगा, 4 अंक में, यही है सबसे बड़ी संख्या जिसमें यह सारा नियम कानून लागू होगा। अब कहता है कि m को, यही m का मान निकल गया 9658 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो भाग दीजिए ना 8 है कम 8 1 पर 6 16 तो 8 दूना 16 58 है तो 8 7 56 58 है तो शेषफल कितना बचा 2 2 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी अगर ऐसे k का मान नहीं पुट करिएगा तो फिर दूसरा विकल्प क्या है कि 420 से फिर 9999 में भाग देना पड़ेगा आपको, लेकिन पकड़ में तो आ रहा है। आप पहले 20 25 30 यही सबसे गुणा करिए, 20 से गुणा किए तो 82 दुना 84 42 दुना 84 अभी हम लोग 84 100 पर हैं, 25 पे गए तो 25 चौके 100 यानी 10,000 से आगे निकल गए आपका। इसका मतलब क्या है कि 25 से कम और 20 से ज्यादा होगा। जब हम 24 लिए तो 24 चौके 9600 और 24 दुना 48 480 और फिर 10,000 क्रॉस कर गए, एक मतलब पक्का 23 पर जो है सबसे बड़ा से बड़ा आपका होगा। तो 23 से गुणा किए 2 घटा दिए एम का मान निकल गया, इसमें करें 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 हो जाएगा। नहीं बुझाया? बुझा गया, बढ़िया सवाल है जी, ध्यान रखना है, ऐसा सवाल भी खूब दिखता है। देखिए यहां पर एबीसी और पीक्यू आर समरूप है, चिन्ह किसका है, समरूप का, और याद रखना है कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात, बोलो एबीसी का क्षेत्रफल कितना 25 और पीक्यू आर का क्षेत्रफल 36, एबी का भुजा कितना 2.5, आप पीक्यू आपसे पूछ रहा है, ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, क्या है समरूप, तो याद रखना है कि भुजा का जो अनुपात होगा वो क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा, या फिर क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो एक तरफ लिखिए भुजा का रेशियो, आप दूसरे तरफ क्षेत्रफल है तो वर्गमूल कर दीजिए तो भुजा के लेवल में भी आ जाएगा, क्षेत्रफल का रेशियो दिया है वर्गमूल कर दीजिए तो भुजा के लेवल में आ जाएगा, नहीं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो उसके लेवल में हो जाएगा। बोलिए जी यहां पर कितना है 5, यहां कितना 6 और वहां देखो 2.5 और बटा में पीक्यू हो गया, सही बात है। अब 2.5 से कट गया 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो पीक्यू बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजा का अनुपात क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है, बुझाया? आंसर कौन सा आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जानते हो एंगल वाई सेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, नहीं देखिए बी का द्विभाजक, तो बी हम जानबूझ के ऊपर करेंगे ताकि थोड़ा फिगर सीधा लगे, लोग को समझने में समस्या ना हो। एबीसी त्रिभुज है, कोण बी का हम समद्विभाजक खींचेंगे, है ना, जो कि डी बिंदु पर एसी के साथ मिलता हो। एबी बराबर 16, आप सारे विद्यार्थी देखो एबी बराबर कितना है 16 है, अब बीसी बराबर कितना 9.6 है आपका, फिर क्वेश्चन में एसी पूरा यहां से यहां तक दिया है कितना 22.4 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चंस करें एडी की लंबाई कितना होगा, यही क्वेश्चन है। देखो जी यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक ज्योमेट्री में पढ़ना है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब लगता है, जब किसी त्रिभुज के एक गो कोण का समद्विभाजक खींचा जाता है। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है कि एडी बीडी ऐसा रेखा है जो कोण को दो बराबर बराबर भाग में बांट रही है, अगर मान लेते 70 ही है तो 35 35 से बांट रहा है, तो एक वो कोण कभी भी समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींचा जाए तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कहता है कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होंगी, आप सब लोग रेशियो बनाओ, पहले 16
और 9.6 का रेशियो बनाइए। सुनिए, किसका किसका रेशियो बनाना है जी? 16 और 9.6 का रेशियो बनाना है। सुनिए, एक अंक के पहले डेसिमल हटा देंगे और एक जीरो यहां ला देंगे, होता है रेशियो में ऐसा। यहां से डेसिमल हटाएंगे उतने को जीरो दूसरे का में लगाते हैं। अब बोलिए सब लोग, 32 3 96 और 32 5 160। तो बोलिए 5:1, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात कितना है? 5:3। तो आपको ये याद रखना है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कहता है कि जिस रेशियो में ये दो भुजाएं होती है उसी रेशियो में सामने वाला भुजा भी बंटता है। एडी जब खींचे तो ऐसी बट गया ना, तो उसी रेशियो बंटता है। नहीं, आप कह सकते हो कि ई वाला भुजा है 5:1 और ई वाला भुजा है 3:1, इसका रेशियो कर लो, वही रेशियो ये दोनों का होगा। ये थ्योरम कहता है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय, ठीक ना। अब क्या करना है जी, 222.4 सेंटीमीटर पूरा है और ये वाली दूरी 5:1 में, ये वाली दूरी 3:1 में, तो क्या इसे सेंटीमीटर को 5:3 में नहीं बांट लेंगे? और जो 5:1 का मान होगा वही एडी हो जाएगा। अब कहोगे सर बांटते कैसे हैं, तो बड़ा सरल है। देखो 22.4 सेंटीमीटर को बांटना है तो 5 3 8 से भाग देंगे और एडी पूछ रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे, काटी आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा आपका। बढ़े आगे, बीडी कहां निकालना है, एडी ने निकालना है। बीडी ने निकालना है, फिगर उल्टा बना लिए थे ऐसे क्या? तो वही मैं गड़बड़ हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम याद हुआ, बड़ा आसान है। जिस रेशियो में ये दो भुजा उसी रेशियो में ये दोनों भी होता है। तो आप इसका रेशियो बनाओ, इसका निकल जाएगा, पूरे को बांट दीजिए इस रेशियो में, एडी भी निकल जाएगा, डीसी भी निकल जाएगा। लंब कैसे मान लेंगे, कोई जरूरत थोड़ी कि कौन समद्विभाजक लंबी होगा। एंगल बाई सेक्टर खींचे तो ऐसा नहीं कि वहां पर लंबी होगा आपका। ज्योमेट्री में देखो, देखने से नहीं होता है, जो रियल चीज होता है थ्योरम हो प्रॉपर्टी हो बस भाई। ऐसा नहीं कि इसे खींच दिए तो क्वेश्चन से लंब नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए ए और बी के पास 3 और 4 के अनुपात में पुस्तक है, बी और सी के पास 2:3 में पुस्तक है। तो ऐसा करिए ना, ए बी और सी बनाइए। सुनिए ना, ए बी का है यहां, बी सी का आपका है। देखो तो बी इसमें कितना है, अच्छा यहां इसमें बी कितना है, 2 है। तो ऐसा करिए ना, 2 से गुणाया हाँ और 2 से गुणाया, बैलेंस कर दिए। बी इसमें 4 और बी इसमें 2, तो 2 से गुणा किए तो बी यहां 4 हो गया, है ना। तो लिख दीजिए अब यहां पर 3 बी 4 और सी कितना, 3 दुना, मतलब मान के चलो बैलेंस कर दिए। अब कहता है कि सी 20 पुस्तक ए को देता है, लीजिए ना 20 को जो है ना सी ए को दे दिया 20 को, अब 20 को पुस्तक दे दिया, तब कहता है कि नया अनुपात इतना हो जाएगा, है ना, 4:5 हो जाएगा। पहले से रेशियो ये था और नया रेशियो ये हो गया। थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो बारीकी से, आपको लग नहीं रहा है कि एक रेशियो दिया 6 में, एक रेशियो दिया तो यहां 3 से बढ़ के 4 हो गया, और एक रेशियो दिया तो घट के कितना हो गया, 5 हो गया। देखो बी को, बी ना किसी को दिया ना किसी से लिया, तो बी का रेशियो सेम सेम, लेकिन सी ए को दिया तो ए का रेशियो देखो 1 से बढ़ गया, और सी का सी दिया है तो 1 से क्या गया, घट गया। तो बोलिए कै गो किताब दिया, 20 गो, इसका मतलब 1:20। तो क्वेश्चंस करेगी तीनों के पास मूलतः, मूलतः का मतलब क्या होता है, शुरू में कितना कितना किताब था। तो 1 बराबर 20, तो बोलो 3 बराबर 60, 4 बराबर 80, 6 बराबर 120। तो आंसर हो गया कितना, सी नंबर आपका। तो चलिए फिलहाल आज की सेवा ही समाप्त करेंगे, वापस मिलेंगे कल के क्लास में, गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगी।
पढ़ाई सब लोग तनी दबा के करिए, सेल्फ स्टडी वगैरह हर पेपर को पढ़िए, सिलेक्शन सिर्फ मैथ से नहीं होता है, ईमानदारी से पढ़िए सिलेक्शन हो जाएगा।